यहाँ पे एक एग्जांपल और देखते हैं. इफ रुपीज 500 अमाउंट्स टू दिस इन टू इयर्स कंपाउंडेड एनुअली, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम. ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या हो सकता है, जैसे ये फॉर्मूला है पी 1 प्लस आर बाई 100 रेस्ट टू द पावर एन. तो यहाँ हमारे पास अननोन कितने, मतलब इस फार्मूले में कितने पैरामीटर्स हैं, एक तो ए है, पी है, आर है और एन है. ठीक है, तो इनमें से कोई तीन दिया होगा और एक निकालना होगा. ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन होंगे मोस्टली. ठीक है, कोई भी तीन दिया होगा और चौथा निकालना होगा, तो सारे में घुमा घुमा के एक एक चीज़ पूछ रहा है. ठीक है, कि अब ये निकालो, अब ये निकालो, अब ये निकालो. ठीक है, तो जैसे पिछले में एन निकालना था, इस बार आर निकालना है. ठीक है, बाकी सब दिया होगा. तो यहाँ ए दे रखा है, ए की वैल्यू ये है 583.2, पी की वैल्यू ये है 500, और यहाँ पे टू इयर्स दे रखा है. ठीक है, दो टू इयर्स कंपाउंडेड एनुअली, तो सिंपल वाला फार्मूला लग जाएगा ये वाला. ठीक है, और एन की जगह दो दे रखा है और हमें निकालना है आर. ठीक है, तो इसमें रख दिया फार्मूले में 583.2 इक्वल टू 500, 1 प्लस आर की जगह आर में निकालना है, तो आर बाई 100, और यहाँ रेस्ट टू द पावर एन की जगह 2 कर दिया. ठीक है, तो ये 583.2 बटे 500 हो गया, ये इक्वल टू 1 प्लस आर बाई 100, और यहाँ स्क्वायर है. ठीक है, अब यहाँ पे 583.2 में 500 से भाग देंगे, तो आ जाता है 1.1664. ठीक है, 1.1664 इक्वल टू 1 प्लस आर बाई 100. ठीक है, अब यहाँ मामला फंस गया, क्योंकि यहाँ अब स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा. ठीक है, तो 1 प्लस आर बाई 100 कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ, दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लिया, तो इसका स्क्वायर रूट तो 1 प्लस आर बाई 100 हो गया, और इसका स्क्वायर रूट हमें निकालना पड़ेगा. ठीक है, तो अब ये हमें निकालना आना चाहिए, तो यहाँ पे मैं निकाल दे रहा हूँ कैलकुलेटर से, 1.469. ठीक है, इतना आ जाएगा. तो ये इतना नहीं आता, ये आता है 1.08. ठीक है, तो ये 1.08 आ गया. तो 1 प्लस आर बाई 100 इक्वल टू 1.08. ठीक है, तो यहाँ से कितना आर बाई 100 कितना आ गया, 1 को इधर ले गया, तो 0.08 आ गया, तो आर की वैल्यू आ गई 8. ठीक है, 8%, तो ये आंसर हो गया. अब मामला फंसा था हमारे यहाँ पे. ठीक है, कि अंडर रूट 1.1664 कैसे निकालें. ठीक है, तो ये स्क्वायर रूट वाले चैप्टर में बताया गया कैसे निकालना है इसका, लेकिन फिर भी मैं यहाँ बता दे रहा हूँ. तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कैसे इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे. तो यहाँ पे देखते हैं स्क्वायर रूट हमें निकालना है 1.1664 का, 1664. ठीक है, तो एक तरीका तो जो सबसे सिंपल था वो बताया था कि ऊपर नीचे 1.1664 है, इसको हमने लिख लिया 1.1664. ठीक है, डिवाइड बाई 4.0 हमने किसका है, तो यहाँ 10,000 से भाग देना पड़ेगा. ठीक है, तो ये हो गया. अब इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट बटे इसका स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा 1.1664 डिवाइड बाई 100. तो अगर इसका स्क्वायर रूट पता चल जाए हमें, ठीक है, तो काम हो जाएगा. तो इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या बताया था तरीका, 1.1664 है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया. तो प्राइम नंबर्स से ट्राई करते जाते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, ये सब प्राइम नंबर्स है. तो सबसे पहले 2 से करते हैं, तो 2 से काटा, तो इसकी वैल्यू आ गई 2 5 10, 2 8 16, 2 3 6, 2 2 4. ठीक है, फिर 2 से काटा, फिर 2 से काटा, तो आ जाएगा 2916. ठीक है, फिर 2 से काटा, तो आ जाएगा 1458. ठीक है, फिर 2 से काटा, तो आ जाएगा 729. ठीक है, अब 2 से नहीं कटेगा ये, तो अगले प्राइम नंबर पे आएंगे, 3 पे.
तीन से कट जाएगा ये, तो ये आ जाएगा 243, ठीक है, फिर तीन से कट जाएगा तो ये आ जाएगा 81, फिर तीन से कटेगा 27, फिर तीन से कटेगा 9, फिर तीन से कटेगा 3, फिर तीन से कट जाएगा 1, पहले यहाँ 1 आ गया, तो इस चीज को क्या लिखा हमने, 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5, 4 बार, 2 रेस्ट पावर 4 इंटू 3 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो गई इतना बटे 100। अब इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो जितनी बार गुणा हुआ उसका आधा आधा ले लेते हैं, ठीक है, 2 स्क्वायर इंटू 3 की पावर 3 क्यूब हो जाएगा बटे 100, और 2 दूना के 4 और 3 तिरके 9 तिरके 27, ये हो जाएगा, ठीक है, 27 चौके होता है 108 बटे 100, तो ये आ गया 1.08, ठीक है, और वही हमें निकालना था, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ 1.08 है, ठीक है, वही निकाला हमने, तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो स्क्वायर रूट पता होना चाहिए, एक बार उसको रिवाइज कर लें तो ज़्यादा बेहतर है।